सो इस बार आशीष का आइडिया था कि हम लोग घर में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। सो यहाँ पे मैं बिग बास्केट पे देखना स्टार्ट कर दी थी 21-22 दिसंबर से ही क्रिसमस ट्री वगैरह। तो मैंने 3 फीट का क्रिसमस ट्री मंगाया था जो कि बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं जब भी बाहर जा रही थी तो मैं वहाँ शॉप से भी पता करके आ रही थी कि कितने का है, तो मुझे 50-60 रुपये कम में ही मिला था। फिर यहाँ मैंने क्रिसमस ट्री ऐड किया, देन डेकोरेशन का सामान वगैरह सब देख रही थी, एंड बहुत सुंदर क्रिसमस ट्री आया था। तो ये था इसके साथ डेकोरेशन का सामान, सब कुछ एक 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 पीस आया था। 100 रुपीज़ में 12 पीस थे ये, मैरी क्रिसमस, सेंटा, सब कुछ रहता ना। सिलाई मशीन का गड्डी रहता ना, उससे कर सकते हैं। 12 पीस रहता, 2, 4, 6, 8, 10। ये आ गए दोनों के पार्सल जो मैंने सीक्रेट सेंटा में मतलब क्रिसमस में देने के लिए लिए हैं, जो कि उन दोनों को नहीं पता है। क्रिसमस ट्री रखा है, ये सारे डेकोरेशन के इसके सामान हैं काफी सारे, और ये मैं आगे वीडियो डाल दी चुकी है, मैंने उस दिन लिया था इसको ना, अभी यहाँ पे बनाना है मतलब धागे से करना है, क्योंकि इसमें धागा नहीं है जैसे इन सब में है ना, वैसा नहीं है। तो ये 3 कैप्स भी लेकर आ गई थी मैं, ये हमारा क्रिसमस ट्री, यहाँ मेरा पोगो भी है। तो क्रिसमस ट्री को मैं अच्छे से सजाऊंगी, मतलब बहुत अच्छे से इसको पूरा कॉटन से, वो जो स्नो का लुक देते ना, वैसा मैं करूंगी पूरा। ये मैंने मंगाया था बिग बास्केट से, जब इसको मंगाई थी उसका वीडियो भी मैंने आगे शेयर किया है। मतलब मैं चाह रही थी कि पूरा मैं क्रिसमस का ब्लॉग बनाऊं अच्छे से। सो ये हमारा क्रिसमस देखते कैसे कैसे सेलिब्रेट होता है। मैं सही में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही घर में सेलिब्रेट हो रहा है क्रिसमस। इधर सारे पौधे मैंने इस तरफ कर दिए हैं, और क्योंकि यहाँ कॉर्नर पर रखने से ना हम लोग यहाँ पे जगह स्पेस मिल जाएगा मतलब सारा फोटोज वगैरह लेने का, इसलिए ये वाला जगह फाइनल किया है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेट करेंगे। लाइटिंग वगैरह का कनेक्शन भी वहीं से है, तो पूरा लाइटिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाएगा। एंड बस ये ब्लॉग आगे देखते रहना कैसे होता है। फर्स्ट टाइम ही हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे ना ये दिए लगा दिया, आज मन कर रहा था ऐसे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे ऐसे रोज खुशबू का ये दिए थे आर्टिफिशियल वाले, वो लगा दिए, एंड बड़ा प्यारा भी लग रहा है, पॉजिटिव लगता है थोड़ा। बस आगे ब्लॉग में मैंने रहना कि कैसे क्या होता है क्रिसमस हमारा सेलिब्रेट। गिफ्ट्स भी आ गए, कल उनको मैं पैक करा लूंगी। सो आगे ब्लॉग में बने रहना। चल रहे हैं अभी गिफ्ट पैक कराने, क्योंकि अभी ये दोनों भी घर पे नहीं है, फिर दोनों आ जाएंगे तो मैं उनके सामने फिर कर नहीं पाऊंगी, तो जल्दी से गिफ्ट पैक करा के घर पर आते हैं। यहाँ डेकोरेट करके एंड देन हम लोग बाहर मूव कर देंगे। सो डेकोरेशन करते हैं स्टार्ट, बट ये फोन बस स्थिर हो जाए। बहुत मुश्किल के बाद ये जगह थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ वीडियो आ सकता है। तो डेकोरेशन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन करना स्टार्ट किया है, एक एक करके सब लगाते ये, एंड ये मैंने आगे फॉरवर्ड टाइप वीडियो बना ली क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था वो, इसलिए तो जितने भी सामान मेरे थे मैं सबको लगाती गई। फिर ये कॉटन से मैंने स्नो इफेक्ट दिया सबको, मतलब स्कूल टाइम में या ऑफिस वगैरह में ना ऐसे स्नो का इफेक्ट ऐसे कॉटन वगैरह से देते थे हम लोग, तो वही मैंने यहाँ पे कॉटन से स्नो इफेक्ट दिया एंड मैं लगाते जा रही थी रैंडमली कहीं 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 कहीं, एंड फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा कि कैसा ये हुआ था। दिखाते हैं ये डेकोरेट कैसे हुआ है। करती हूँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ, सेंट, अरे यार ये सेंटा बार बार उल्टा हो जा रहा है। स्नो इफेक्ट दिख रहा है ना, कि और थोड़ा सा कॉटन लगाने की जरूरत है। देखते हैं अब इनके आने के बाद, देखते हैं कि और लगाने की जरूरत है तो और लगा देंगे, वरना ऐसे ही ठीक है। आई एम सो हैप्पी। गिफ्ट्स पे नाम लिख देती हूँ, नाम क्या लिखना है, सीक्रेट सेंटा ही लिखना है, फ्रॉम सीक्रेट सेंटा, पर सीक्रेट क्या है, उन दोनों को पता ही रहेगा कि मैंने दिया है। फ्रॉम सीक्रेट सेंटा, इग्नोर मेरी हैंड राइटिंग, फ्रॉम सीक्रेट स्माइली बना देती हूँ, और इस पे भी स्माइली बना देती हूँ।
तो ये गिफ्ट भी ना चलो रख देते हैं अभी अपने सीक्रेट सेंटा के पास, मतलब अपना ट्री के पास। इट्स लुकिंग गुड ना, वेरी गुड। यहाँ रखते हैं गिफ्ट को, इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं। कैप भी बाहर। इज द फाइनल लुक। ये मैसेज सेंटर एंड गिफ्ट्स एंड कैप तीनों मैंने वहीं रख दिया है। ये पता नहीं ये छोटी वाली लाइट ना जली नहीं रही, मेरा मन था ना छोटी वाली लाइट को यहाँ पे लगाने का, बट ठीक है चलेगा ये भी। It's a video. कभी तू सेंटा लगता है। क्रिसमस फ्रॉम सेंटा कुमार। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। दिस आर सरप्राइज गिफ्ट्स। ठीक है तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? ओके ये ऑप्शन पैक कर रहा हूँ। आज होस्ट कोई और नहीं, कोई और है। आज हो रहा है मेरा डेब्यू गोलू के चैनल पे जिसपे लाइक्स आते हैं 4 से 5। मुझे कम से कम 10 लाइक दे देना आप लोग, ठीक है? सो स्टार्ट करें क्रिसमस की फंक्शन। तो पहले हम बन जाते हैं सेंटा कुमार। I'm Santa Kumar and she is Santa Kumar. So we have a good time in the house. So, हमें गेम खेलेंगे। तुमको 5 तक के नंबर में से कोई एक नंबर चूज करना है। ठीक है 1 चूज किया। हाँ ओके। This is the number one. अभी तुमको बताना है कि तुम किसको दोगे। ये मैं किसे दूंगी? अगर खुद रखोगे। चलो आप मेरा होगा। तो हम 3 लोग हैं। 5 हमने 5 मिनट में शूट करना है। सेकंड नंबर 4 यू हैव 4th नंबर। ये मैं सुन लेना। तुम लोग अभी बचे हमारे पास 1, 2 और 5। हाँ। तो आपको क्या लगा कि मैं यहाँ पर अकेले खड़ा रहूंगा? अभी क्या लोगे? ये देखिए कौन है मेरे साथ। 5 ले लूंगी। 5 ये हो गया बिट्टू का कैमरा बैठा। अभी तुम्हारे पास बचे 1 और 2 नहीं 3 and 5। ये बिट्टू अभी लास्ट गेम यही था। लास्ट प्राइज जो है वो पोस्ट का। सो दिस इज माय साइड फॉर यू। मेरी क्रिसमस फ्रॉम सेंटा कुमार एंड सेंटा कुमारी। अब करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। सही है आशीष का बारी गिफ्ट ओपन करने का। टी-शर्ट ब्लैक वाला। ब्लैक चाहिए तुमको? ओपन तो करिए। नहीं ले लो बेटू, इफ यू नीड ब्लैक यू कैन। क्योंकि हम कंफ्यूज थे, दोनों बहुत अच्छे आए थे, तो ओपन होने के बाद जिसको जौन सा अच्छा लगेगा। इट्स ऑसम। दिस गिफ्ट इज फॉर गोलू द ढोलू। अच्छा ये वाला नहीं मंगे ना आशीष के बाद दो जाते। ये गिफ्ट तुमको मिल रहा है एल साइज के टी शर्ट्स। एल या आपका है गोगो? नहीं बट तुमको लॉटरी लगा रहा है। एल साइज का टी शर्ट ऑफिशियली गिफ्ट गोलू का है, बट गोलू मेरे को सेल कर देगी 10 रुपए में। ठीक है। दूसरा गिफ्ट है। हाँ। हाथ डालना जो मिलेगा तुम्हारा। अच्छा, चॉकलेट है ये। चॉकलेट तुम्हारे पास सिर्फ 5 चांसेस है। फिर हाँ। से नेल पेंट। सही में आगे बंद किया। ये तो नेल पेंट है, रखो मैंने दिख जाएगा। अगेन नेल पेंट है। अरे ये भी नेल
डिफरेंट है, आई थिंक ओपीआई कुछ ब्रांड का है। अरे ये भी नेल पेंट है। कितने हो गए? चार हो गए। ऊपर बचे? हाँ एक चॉकलेट लिया ना तुमने? हाँ एक चॉकलेट, चार नेल पेंट। पांच चांसेस खत्म तुम्हारे हो गए। अरे चांसेस हो गए, एक और चांस। चलो चलो आईज क्लोज, आईज क्लोज। अच्छा डालो। किधर है? यही तो है सबसे बड़ा। वाह कलर देखने दो। ये आ गया हमारा केक, केक जोन से। एंड ये मैं कल लगाना ही भूल गई थी, ये भी मैंने मंगाया था, लगाने में थी, कोई नहीं आज लगा लेंगे इसको। एंड इसके साथ ना ये फ्री पेस्ट भी है, चार पांच ऑप्शन थे तो मैंने ना रेड वेलवेट चूज किया। और ये रहा प्लम केक जो कि क्रिसमस में खाते हैं, तो प्लम केक मंगाया है केक जोन से। इसको अभी बाहर जाके डेकोरेट करेंगे, पहले बनाते हैं, फटाफट से डिनर कंप्लीट करते हैं। कल रात को हम लोगों ने मंगाया था बाहर से पूरा खाना, उसका क्लिप मैं लेना भूल गई, तो फिर मैंने आज सोचा कि आज मंडे भी है तो नॉनवेज तो बाहर से आ नहीं सकता, इसलिए मैं घर पे कुछ कुछ बना देती हूँ, तो परफेक्ट हमारा डिनर हो जाएगा, क्रिसमस डिनर। बनाने जा रही हूँ मैं पाव भाजी, और बनाऊंगी पनीर चिली टाइप कुछ, एंड राइस फ्राई करूंगी। और यहाँ बन रहा है ब्रोकली और पनीर चिली, ब्रोकली एंड पनीर का चिली, ब्रोकली पनीर चिली। एंड मुझे बहुत पसंद है, मतलब सारे कलर्स की इसमें शिमला मिर्च है, येलो रेड ग्रीन, बहुत इजी भी है और बनाना। तो खाना भी बन के हो गया रेडी, मैंने बनाया था पाव भाजी, फ्राइड राइस और पनीर चिली, पनीर एंड ब्रोकली चिली। तो अभी ना ये केक को डिस्प्ले कर देते हैं क्रिसमस ट्री के सामने, एंड मैं भी रेडी हो गई। सो ये है क्रिसमस का फाइनल डिनर, और स्टार्टर में था फ्राइड राइस एंड पनीर ब्रोकली चिली एंड ये पाव भाजी। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आजकल डेली शाम में मैं ये दिया लगा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ केक रख दिया, अभी केक कट करेंगे एंड हमारा क्रिसमस पूरा हो जाएगा। कितना मस्त लग रहा है लाइटिंग, लाइटिंग, लाइटिंग। मेरी क्रिसमस कैसे ले रहे हैं? एक